गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू व्लॉगेश, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। ऑल सेट टू गो टू द कोर्ट, टू द दिल्ली हाई कोर्ट इन सम टाइम। इट विल टेक मी 30-35 मिनट्स टू रीच द कोर्ट एंड आई विल सी यू गाइस देयर। टुडे आई हैव अ एंटायर टू डू लिस्ट टुडे टू डू एंड विल बी कम्प्लीटिंग ऑल सच टास्क एंड वाइल कम्प्लीटिंग आई नो कि आपको सिर्फ कोर्ट देख के शांति नहीं होती है। सो आई विल कीप टॉकिंग अबाउट द केसेज ऑल्सो इन बिटवीन सो दैट यू गेट द फील दैट यू आर वॉचिंग अ लॉयर्स व्लॉग और आप बस ऐसी कोई रैंडम वीडियो नहीं देख रहे हो। सो व्हेन आई से इट्स अ लॉयर्स व्लॉग आई मीन इट एंड सी यू। आई एम गेटिंग अ कॉल। देर इतनी हो गई है, यू नो द एस्केलेटर्स आर ऑल्सो नॉट वर्किंग। सी फॉर योर सेल्फ एंड आई हैव टू टेक द लिफ्ट। मीन आई एम स्केर्ड ऑफ टेकिंग द एस्केलेटर्स दैट आर नॉट वर्किंग। I had to go, I had some commitments, personal commitments, family commitments, but couldn't go the entire day. Not feeling bad because this is a part of work. So I started this vlog in the morning, but the entire day I was in the Delhi High Court waiting for matters, running from court to court, and I couldn't shoot the entire day. That's why I was talking like this. I had to go somewhere also, but I couldn't. Okay, tell me one thing. I've been making a lot of reels, these shorts these days. Tell me, how are you people liking it? मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ नए जुड़ गए हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोज विच आई नेवर यूज टू डू। यू टेल मी इफ इट्स हेल्पिंग यू और नॉट। हाई कोर्ट्स में जनरली हाई कोर्ट्स में ही देखने को मिलता है, कुछ और कोर्ट्स में भी लोगों की ना हैबिट है कहने की। फॉर एग्ज़ाम्पल काउंसिल नहीं आ पा रहे हैं, वो कहीं बिजी हैं या वो किधर इधर उधर तो आर्ग्यू कर रहे हैं मैटर को, इस कोर्ट में नहीं आ पा रहे हैं। सो द जूनियर्स स्पेसिफिकली से मतलब द काउंसिल इज ऑन हिज टोज, ही विल बी अपियरिंग है ना फर्स्ट कॉल पे, क्योंकि उन्हें पता होता है बहुत सारे मैटर्स में, दिस हैज़ हैपेंड विद मी, दैट इज़ आई एम सेइंग इट। उन्हें पता होता है कि नेक्स्ट कॉल पे तो मैटर आएगा ही नहीं, एंड ऑफ द बोर्ड तो मैटर लगेगा ही नहीं, टाइम ही नहीं बचेगा कोर्ट के पास मैटर लेने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया में कोर्ट्स के पास इतने सारे मैटर्स हैं कि नहीं बचता समय फॉर रियल। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ टैकलिंग अ सिचुएशन वेयर यू डू नॉट नो एनीथिंग। आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस, बट आई एम एक्सपोजिंग दिस कि ये एक्चुअली होता है और ये सब करते हैं। जब भी आप चाहते हो ना कि आपका मैटर लिस्ट ना हो, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, या फिर आपको भी नहीं सुना जाए, या फिर दूसरी पार्टी को भी नहीं सुना जाए, अभी रिलीफ ना मिले, तो ऐसी चीज़ें कही जाती हैं। सो आई काइंड ऑफ आई एम एवर्स टू दिस फ्रेज, मतलब द काउंसिल इज़ ऑन स्टोज। द काउंसिल इज़ ऑन स्टोज मीन्स फॉर मी द काउंसिल विल नेवर अराइव टू द कोर्ट इन टाइम। ऑफकोर्स In the evening, as I got free, I started walking around after attending a few calls and waiting for my coffee to arrive. There is a new thing that I've started eating these days, which is called the bread tikki. I got ki mujhe ye bahut achhi lag rahi hai. Next day, I had to go to college. Saturday tha. Ye semester ka first day tha. Abhi tak result bhi nahi aaya tha. उस दिन मैंने सोचा कि कुछ एस्थेटिक सी चीज़ें शूट करती हूँ, कुछ अलग जो मैंने अभी तक नहीं किया हो, और मैंने कैमरा को इधर उधर तो लोकेशंस पे रख के शूट करने की कोशिश की। सुबह आई रीच्ड अर्ली और पता चला कि क्लासेस थोड़ा लेट स्टार्ट होनी है, सो आई थॉट व्हाई नॉट यूटिलाइज दिस टाइम। आई एनीवे रियली लाइक रोमिंग अराउंड द यूनिवर्सिटी विदाउट एनी रीज़न, बहुत अच्छा लगता है ऐसे बिना काम के घूमना, तो मैंने सोचा थोड़ा शूट भी करे बीच में। इट्स द फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड सेमेस्टर and I sat in this sunlight for a few minutes, I would say half an hour, and you know I'm tired, a little tired, but excited to go to the class, and a little tired from the mind because I know I have to complete certain drafts also today. So this time with my masters, the first day is, I mean first day of the semester is not like how it used to be while I was pursuing my LLB, because at that time I used to feel, you know, I would say very carefree. I didn't have work deadlines to meet, I didn't have client calls to take, so in that sense it's different, and in that sense this day is also different.
एनीवे सी नेस्कैफे खुल गया है सामने, तो यहाँ पे बहुत अच्छी पेस्ट्री मिलती है। जो जो भी अगर कोई ये आईपी वाले लोग देख रहे हैं जो मेन कैंपस द्वारका में होते हैं, आई नो यू पीपल लव दिस पेस्ट्री। आई नो क्या मतलब, मुझे तो पसंद है। तो आज मैं ये लेके जाऊँगी घर पे जतिन के लिए। जतिन इज़ माई ब्रदर बाय द वे, उसको पसंद है, उसने मुझे कहा था कि मेरे लिए पेस्ट्री लेकर आई हो, तो मैं उसके लिए लेके जाऊँगी ज़रूर। तो मैं इस वाले नेस्कैफे की बात कर रही हूँ, और बिकॉज़ आई एम डूइंग माई स्पेशलाइजेशन इन साइबर लॉ, तो आज से आपको साइबर लॉ के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। बिकॉज नाउ वी हैव 3 सब्जेक्ट्स डेडिकेटेड टू साइबर लॉ ओनली, सो डेफिनेटली आई वुड से कि मास्टर्स हेल्प तो करता है आपको आपके करियर एडवांसमेंट में या फिर आपके नॉलेज एनहेंसमेंट में बहुत ज़्यादा। जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, सिर्फ बुकिश नॉलेज मिलती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर टेकिंग इट, क्योंकि हम जब काम भी करते हैं, साइबर लॉ के बहुत काम भी हम लोग करते हैं, मतलब इंडिस्पेंसिबल पार्ट सा हो गया लाइफ का, आप उससे अलग नहीं हो सकते। तो आप जब वो सारे काम भी करते हो ना, तो ये सारी जो नॉलेज होती है, जब आप उसको अप्लाई करते हो, उसी टाइम पे ये नॉलेज आपकी वोकेशनल नॉलेज से प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है। सो दोज़ हु आर थिंकिंग कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे तो एडवोकेसी में ही रहना है, मुझे क्या करना है डिग्री का, सो नो, आई थिंक इट रियली हेल्प्स एंड यू शुड नेवर स्टॉप स्टडिंग इफ यू लाइक इट। आई एम टेकिंग द स्टेयर्स, क्योंकि आज की एक्सरसाइज तो हो नहीं पाई है, बहुत जल्दी निकलना था। सुबह सुबह आलू का पराठा भी खाया, तो कुछ तो गलत होगी बस। एंड येस, आई स्टिल डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मेकिंग नोट्स। दिस वॉज आर फर्स्ट क्लास एंड आई गॉट टू नो अबाउट द मंकी सेल्फी केस रिलेटेड टू कॉपी राइट। रियली लव्ड नोइंग दिस न्यू थिंग। द फर्स्ट क्लास जस्ट गॉट ओवर एंड इट वाज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन द साइबर स्पेस। सो वी आर स्टार्टिंग अबाउट द आईपीआर राइट्स, मतलब कॉपी राइट। यू नो द कॉपी राइट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वुड से, मतलब बहुत बेसिक राइट है, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। इवन इफ यू आर मेकिंग नोट्स, यू हैव कॉपी राइट इन योर नोट्स, बट वॉट अबाउट द साइबर स्पेस? अगर आप इंटरनेट पर कुछ चीज़ क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें राइट कैसे होगा, कॉपी राइट कैसे होगा? जैसे मेरी ये वीडियो, क्या मुझे इस पर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है? एब्सोल्यूटली नो, आई हैव कॉपी राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स विल बी स्टडीड इन द सब्जेक्ट एंड आई विल कीप शेयरिंग इट विद यू, यू विल ऑल्सो लर्न विद मी। Because I was feeling really sleepy, a lot of work was pending, a lot of work was going on, classes के साथ में बड़ी सारी चीज़ें चल रही थी, कभी कभी तो calls attend करने बाहर आना पड़ता है, तो I took my coffee और यहाँ पर जहाँ मैं हमेशा बैठती हूँ, वहाँ आके बैठने की मैंने सोची, but as I was thinking to chill for a while, 10-15 मिनट के लिए, I started reading my messages। मुझे पता लगा कि कुछ किसी ने मुझे legal notice भेजा हुआ था, तो मैंने सोचा उनसे बात कर लूँ, let's not ignore our क्लाइंट्स, तो बस ये टाइम वहीं चला गया। कोई बात नहीं, हाँ जी सब ठीक है, बताओ आपका ठीक है। ये नोटिस क्या है, ये कौन सा फ्लैट? And this call continued unexpectedly for long। इसके बाद तो मेरा ब्रेक ही ओवर हो गया था, कॉफ़ी पीते पीते कॉल चली। I got to know कि इतने सारे पाइल ऑफ काम में एक और काम ऐड हो गया, वी हैव टू प्रिपेयर और रिप्लाई टू अ लीगल नोटिस दैट वन ऑफ आवर क्लाइंट्स गॉट। द सेकेंड क्लास ऑल्सो जस्ट गॉट ओवर एंड अराउंड 2:30 PM वी गेट अ गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ नहीं कहना चाहिए, फिर बाद में सिलेबस बहुत जल्दी रश कर। दैट गुड न्यूज़ वॉज द क्लासेज फॉर डे हैड एंडेड, और क्लासेज नहीं होनी थी। नाउ टू द सेकेंड डे, संडे को भी, बिकॉज आई हैव टू कम टू कॉलेज, तो ये संडे था। संडे की सुबह तक जैसे मैं बार बार बोल रही थी काम बहुत था काम बहुत था, वो लैपटॉप पर काम करते करते ना मेरी लेफ्ट आई में तो कुछ हो गया था, पता नहीं लेफ्ट थी या राइट थी, तो कुछ हो गया था मेरे, और वो बहुत रेड हो गई थी, उसमें वॉटरी लग रहा था मुझे, और इसलिए क्लास में बैठे बैठे मैं बस चेक कर रही थी कि हुआ क्या है। जब वो दिन ख़त्म हुआ, आई हैड माई ग्रीन टी पूरा ग्लास भर के, ये मेरा ही ग्लास है जो मैं घर से लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे पता था मुझे भी और सारा काम करना है। आई वॉज़ रीडिंग अ फ्यू जजमेंट्स एंड आई वॉज़ डिक्टेटिंग समथिंग, क्योंकि एक ओपिनियन, एक लीगल ओपिनियन या लीगल एडवाइजरी जिसे आप कहते हैं, वो ख़त्म करके देनी थी। आँखों में मैंने आई ड्रॉप्स डाल ली थी, मैं अपने साथ ही ले आई थी ना, पैराज नहीं है, पुरानी जजमेंट है, तो उसमें पेज नंबर 10 और 11 है। Nothing more or less, I managed to complete the work that we had timely and headed to home. This was how the week went. You saw some quote, you saw some clips from the college. I hope you liked the vlog and I promise to get back to you again with a new video
on a new concept. Please keep commenting. I love your comments, and bye for now.